कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताया है। राहुल गांधी ने श्रमिक ट्रेन को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार ने आपदा को मुनाफे में बदला है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान देश के कई राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर फंस गए थे। इन मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। इन ट्रेनों से लाखों लोग अपने घरों को लौटे। इन श्रमिक ट्रेनों के किराए को लेकर विवाद भी हुआ था। केंद्र ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि यात्रा का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, जबकि 15% पैसा राज्य सरकारों को देना है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।